हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना हमारे चैनल में। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे कुछ जो डिजाइन पड़े थे उसे कर न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल की हम देखेंगे क्या, हम कुछ न्यूमेरिकल आपके पास भेजे हुए थे, वो न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अभी तक तो लगाया नहीं वो, क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी फिलहाल नहीं आया, उसको आप लगा लीजिएगा। बाकी भी चलेगा, एक दिन डिजाइन चलाएंगे। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन हम भेज देंगे, क्वेश्चन आप लगाइएगा। दूसरे दिन जो है हम दूसरे डिजाइन चलाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं लगवाएंगे, न्यूमेरिकल ढेर सारा रहता है। ठीक है, तो हमें एक यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का एक क्वेश्चन उठाते हैं, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पास करके। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है रेनफोर्स कंक्रीट बीम हैविंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन ऑफ 6 मीटर कैरीज अ डेड लोड ऑफ 15 किलोमीटर पर मीटर इंक्लूडिंग इट्स डेड लोड एंड एन इम्पोज लोड ऑफ 20 किलोमीटर पर मीटर एट सर्विस। डिजाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम एट द मिड स्पैन ओनली फॉर फ्लेक्चर एंड शियर एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एज मॉडरेट एक्सपोजर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो बोल रहा है मॉडरेट एक्सपोजर। ठीक है, कंडीशन एंड ग्रेड ऑफ स्टील एज Fe 415। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोल कह रहा है कि एक शुद्ध लंबी धरान रहता है, सिंपली सपोर्ट बीम है, जिसका स्पैन यहाँ पर बोल रहा है कितना, 6 मीटर। स्पैन कितना है 6 मीटर। ठीक है, फिर इसमें दे रहा है कि कैरीज अ डेड लोड ऑफ 15 किलोमीटर पर मीटर। अर्थात कह रहे हैं क्या कि इसके सेल्फ वेट सहित जो इसका डेड लोड है वो हमारा यहाँ पर कितना दे रहा है, 15 किलोमीटर प्रति मीटर एंड एन इम्पोज लोड ऑफ 20 किलोमीटर पर मीटर। अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि इसका सेल्फ वेट 15 किलोमीटर पर मीटर है, तथा इस पर जो आने वाला भार है, वो हमारा कितना है, 20 किलोमीटर प्रति मीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि डिजाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, बीम का जो क्रॉस सेक्शन आपको दर्शाना है, अर्थात बी और डी दर्शाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है फ्लेक्चर और सीयर के लिए, केवल फ्लेक्चर और सीयर में हमें चेक करना है और हमें किसी भी चीज़ में नहीं देखना है। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स यहाँ पर बोल दिया था हमें, लिमिट स्टेट मेथड के अंतर्गत हिसाब करना है एज यू मॉडरेट एक्सपोजर। मॉडरेट एक्सपोजर की अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट एक्सपोजर में जो भी कंक्रीट का ग्रेड होता है वह न्यूनतम ग्रेड आपका मानता है M25। क्लियर वहाँ से? ठीक है, अर्थात हम कहेंगे क्या कि जब आपका माइल्ड एक्सपोजर हो M20, मॉडरेट एक्सपोजर हो M25, सी स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पर हम कहेंगे M30। क्लियर वहाँ से ना? ठीक है, तो मॉडरेट एक्सपोजर की बात कर रहा है, अर्थात हम कहेंगे कि जो भी कंक्रीट का ग्रेड लिया जाएगा वह M25 लिया जाएगा। कंडीशन एंड ग्रेड ऑफ स्टील जो भी लिया गया है वो 415 लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लिखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास हम भेज भी दिए थे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जैसे ठीक है, कुछ चीज़ों का पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेड लोड की बात कर रहा है, और जब डेड लोड की बात कर रहा था, डेड लोड यहाँ पर दिया गया है, उसके आगे फिर लिखा गया है इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट। वहाँ पर आगे लिखा गया है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट। जब सेल्फ वेट यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, तो हम कहेंगे कि ऐसे केस में हमें ठीक है सेल्फ वेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। और जब सेल्फ वेट निकालने की आवश्यकता नहीं है तो हम कहेंगे कि इसमें जो भी बी और डी को हम एज्यूम करते थे ये भी यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ध्यान में आया, समझ आया का? ठीक है, देखो ध्यान समझिए, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बी और डी एज्यूम किया जा रहा था अब ये एज्यूम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सेल्फ वेट आपका इंक्लूड कर दिया है लोड। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन भी आपका 6 मीटर यहाँ पर दिया गया है। हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा स्टेप आपका कटेगा। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका कट जाएगा एज्यूमिंग ऑफ बी एंड डी, अर्थात एजम्पशन जो बी और डी का होता है, अर्थात विड्थ और डेप्थ का जो भी एजम्पशन होता है ये एजम्पशन नहीं होगा। आप दूसरा इफेक्टिव स्पैन भी निकालेंगे, हम तीसरे के पास पहुंचेंगे और डायरेक्ट हम लगेंगे यहाँ पर लोड। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लोड, क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा अच्छे से, हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेशन आप लोड करेंगे और सबसे पहला यहाँ पर दे रहा है आपका डेड लोड, क्या डेड लोड, और डेड लोड का मान शायद दे रहा है, डेड लोड का मान कितना दे रहा है, 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर। डेड लोड का मान कितना दे रहा है, 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर। फिर यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं, यहाँ पर दे रहा है इम्पोज लोड। ठीक है, और ये डेड लोड जो है इसमें सेल्फ वेट इसमें इंक्लूड है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, इम्पोज लोड। दूसरा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इम्पोज लोड W2, और इसका मान भी यहाँ पर दे रहा है 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, हम टोटल लोड की यहाँ पर हम बात करेंगे, टोटल लोड W=W1+W2, और दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा 35 किलो न्यूटन पर मीटर। बता बैठिए यहाँ से। ठीक है,
अब यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस जब हम यूज करेंगे तो वहां पर ए डब्ल्यू ले जाएगा, लेकिन लिमिट स्ट्रेस आप कोलैप्स की बात कर रहा है, अर्थात हम कहेंगे क्या कि लिमिट स्ट्रेस जब भी हम सॉल्व करेंगे वहां पर लोड फैक्टर लिया जाएगा। लोड फैक्टर की यहाँ पर हम बात करेंगे, और लोड फैक्टर जो भी आपका आएगा 35 × 1.5 करेंगे, और यहाँ से कुछ मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये मान आ रहा है 52.5। ठीक है, यह आपका मान आया 52.5 किलो न्यूटन पर मीटर, फिर वहां से ये आपका मिल गया। अब इसके बाद हमें डिजाइन मोमेंट की बात करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप हम बात करेंगे कैलकुलेशन फॉर, ठीक है, डिजाइन मोमेंट। डिजाइन मोमेंट हम जो स्टेप लिखाए थे उसी के आधार पर चल रहे हैं, ध्यान देना है आपको। कैलकुलेशन फॉर डिजाइन मोमेंट, और डिजाइन मोमेंट की जब हम बात करेंगे हमें यहाँ पर कहेंगे MUD इक्वल टू जो भी आएगा, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे WU × L² / 8, और WU का मान आपका दे रहा है 52.5, L का मान 6 लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इंटू करेंगे 6² / 8 कर देंगे, यहाँ से आपका मान आएगा 236.25, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, इतना आपका मोमेंट का मान भी आ गया है। ठीक है, मोमेंट का मान दिया गया है, लोड फैक्टर का मान दिया गया है। अब इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, इतना हो गया, लोड फैक्टर भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसके बाद हम जानते हैं कुछ, इसके बाद हम कुछ जानते हैं क्या कि जो भी MR का मान होता है वो बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है। अच्छा, इसके तुरंत बाद हम डेप्थ की बात करते थे, इसके तुरंत बाद हम किसकी बात करते थे, डेप्थ की। ठीक है, तो वो डेप्थ कैसे निकलता था, ध्यान दीजिए यहाँ पर। डेप्थ जो निकलता था उसके लिए हम लगाते थे MU लिमिट इज इक्वल टू RU × VD² जो हम लिखाते थे। ठीक है, जो हम लिखते थे वहाँ पर क्या लिखते थे कि जो भी MU लिमिट इज इक्वल टू होगा RU × VD² होगा। लेकिन यहाँ पर तो B आपको पता नहीं है, D भी आपको नहीं पता है, D आपको निकालना है, B आपको पता नहीं है। ठीक है, अब भी यहाँ पर हम एज्यूम भी नहीं किए हैं। क्यों नहीं एज्यूम किए हैं, क्योंकि यहाँ पर डेड लोड हमारा सेल्फ वेट यहाँ पर जो भी था वो आपका दिया गया था। तो इसके लिए हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन आपका क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो भी बेंडिंग मोमेंट होता है वो MR के बराबर होता है, ये तो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि जो भी MUT होगा वह MU लिमिट के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, लिमिट स्टेट मेथड है। लिमिट हम क्यों कह रहे हैं, या पीछे लेक्चर में जाके देखिए, वहाँ पर आपको बहुत विधिवत विस्तार से किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद MUT की हम बात करेंगे। MUT का मान आपका जो आया था वो आया था 236.25 × 10⁶ न्यूटन MM इज इक्वल टू MU लिमिट की अगर हम बात करेंगे, MU लिमिट के लिए एक फार्मूला हमने वहाँ पर आपको बताया था। ठीक है, वो फार्मूला आपका था 0.36 FCK × XU limit × B × B, अब ब्रेकेट में आपका था ZU। ठीक है, अब जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर 236.25 × 10⁶ इज इक्वल टू 0.36। हाँ, FCK यहाँ पर क्या लेंगे, मॉडरेट एक्सपोजर दे रहा था, जब मॉडरेट एक्सपोजर दे रहा था तो M25 यहाँ पर यूज किया जाएगा, इंटू लिखेंगे M25 XU लिमिट। ठीक है, जब FE ग्रेड 415 दिया गया है तो इसके लिए XU लिमिट का मान क्या लेंगे, 0.48 XD। ठीक है, 0.48 D गुणे करेंगे हम 0.48 D, और इंटू में हम लिखेंगे B, यहाँ पर आपका आएगा D-0.42। ठीक है, XU लिमिट होता है ना, XU लिमिट मान यहाँ पर रखेंगे हम 0.48 × 0.48, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका D। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, एक कंडीशन भी हमने वहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कंडीशन ये था कि जो भी डेप्थ होता है, ठीक है, और विड्थ, इन दोनों का जो रेशियो होता है वह रेशियो सामान्यता कितना लेते हैं, 2। ठीक है, ये कैपिटल डी ने स्मॉल डी लेता है, कहीं कहीं पर कैपिटल डी भी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ से हमारा डी का मान आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किसको, बी का मान चाहिए। जब बी का मान चाहिए तो इस डी को, ठीक है, इधर बी को हम इधर कर देंगे, और दो को हम इधर कर देंगे, और ये मान उठा करके हम ऊपर रख देंगे। जब उठा के हम ऊपर रखेंगे तो यहाँ से आपको कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा क्या, ठीक है, 236.25 × 10⁶। अब इतना बहुत लंबा आपको नहीं सॉल्व करना है, वहीं पर उठा के रख देना है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम इसको समझा रहे हैं इसलिए हम बड़ा कर रहे हैं थोड़ा सा। 0.36 × 25 × 0.48, ठीक है, D क्लियर हुआ है से।
अब उसके बाद b का मान हम रखेंगे और जब इस b का मान रखेंगे तो यहां पर आएगा आपका d by 2 into d by 2 अब फिर गुणे कर देते हैं d बाहर आपका ले लेते हैं यहां पर आपका बचेगा 1 minus 0.42 into 0.48 क्लियर है ऐसे यहां पर हम देख रहे हैं d क्यूब बन रहा है यहां पर क्या बन रहा है आपका d क्यूब 1 2 3 3 d क्यूब हो रहा है अब इसको जो है आप सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर होता है डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको हम ठीक है देखिए यहां पर क्या लिखा है पहले हम इसको लिखेंगे ठीक है ये आपका आंसर दाते इक्वल जब कर देंगे शायद आया होगा नहीं है चलो हम लिख देते हैं 236.25 e6 डिवाइडेड बाय करेंगे ठीक है कितना अच्छा गुणे ये 2 2 का गुणा कर दीजिए गुणे 2 हो जाएगा ठीक है गुणे 2 कितना आया * e6 डिवाइडेड बाय करेंगे हां पूरा जो ऊपर है उसको नीचे भेजिए 0.36 ठीक है और क्या है * 25 है और फिर * में आपका है 0.48 फिर आगे * में ब्रैकेट लगाएंगे 1 - 0.42 * 0.48 जरा से ठीक है ये आपका आ रहा है 1369927355 क्लियर हुआ d क्यूब है अर्थात इसको हम ठीक है पावर में लगाएंगे पावर 1/3 ठीक है ये आपका आ रहा है 515.5 क्लियर हुआ अर्थात जो यहां से d का मान आया वो आया 515.5 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं इसको हम 515 भी मान सकते हैं और इसको हम 520 भी मान सकते हैं ठीक है mm अब देखिए आप यहां पर क्या मानेंगे हम आपको क्या बताए हैं कि जो भी कैलकुलेशन करते हैं जो भी फर्माबंदी आपकी मिलती है स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग आपका 10-10 mm के अंतराल में होता है मतलब 10-10 mm के गुणक में होता है तो यहां पर जो 5 mm का है वो 5 mm आपको मिलता नहीं है इसलिए उठा के हम क्या करते हैं यहां पर 520 कर देते हैं अब इसमें अगर हम 30 mm कवर मान लें अगर हम इसमें 30 mm कवर मान लें तो कैपिटल d इज इक्वल टू यहां पर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 550 mm बता रहे क्लियर बात ठीक है इतना हो गया अब देखिए चाहे इसके आधार पर d / 2 कर दीजिए चाहे इसके आधार पर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो हम जब यहां से लिए हैं तो इसी 520 का हम आधा करेंगे वहां से हमारा किसका मान आ जाएगा b का मान आ जाएगा ठीक है तो d आपका मिल गया है 520 d आपका मिल गया क्या 520 ठीक है कैपिटल d आपका मिल गया है 550 अब इसके बाद ठीक है इसके बाद हम जो है स्मॉल b की बात भी कर लेते हैं जब स्मॉल b की हम बात करेंगे तो कहेंगे 520/2 कर दीजिए अर्थात यहां पर आपका आ जाएगा ठीक है कितना 26260 ठीक है यहां हम देख रहे हैं b = d / 2 अर्थात 520/2 करेंगे इसको हम काट कर देंगे और यहां से आपका आ जाएगा 260 mm क्लियर हुआ अर्थात साइज ऑफ बीम आपको मिल गया ठीक है साइज ऑफ बीम आपको मिल गया यहां पर साइज ऑफ बीम जो भी होगा वो हमारा होगा 260 × 550 mm बता रहे क्लियर यहां से b और d आपको यहां से देखने को मिल गया ये भी mm रहेगा ये भी आपका mm ही रहेगा इधर यहां से अब इसके बाद हम क्या करते थे d मिलने के बाद तुरंत हम est क्या बात करते थे अर्थात कैलकुलेशन करते थे हम किसका स्टील का ठीक है कैलकुलेशन था स्टील रेइंफोर्समेंट अगला हम देखेंगे कैलकुलेशन था स्टील रेइंफोर्समेंट ठीक है अगला स्टेप जो भी होगा अपना बढ़ाइएगा कैलकुलेशन फॉर स्टील रेइंफोर्समेंट स्टील रेइंफोर्समेंट कितना इसमें स्टील पड़ेगा ठीक है उसके लिए हम जानते हैं क्या क्योंकि हम जानते हैं mu = 0.87 fy * ast d - 0.42 xu लिमिट क्लियर बात है यहां से हम जानते हैं ast का मान निकालने के और ast = mu मान आ गया mu का मान जो आपने निकाला था 236.25 × 10⁶ पूरे का बटे करेंगे यहां तक आएगा 0.87 fy का मान आपको पता है 415 ठीक है d का मान आपको पता है 520 अभी आपने जो निकाला था ठीक है यहां से फिर हम आगे बढ़ाएंगे माइनस करेंगे और यहां पर लिखेंगे 0.42 ठीक है 0.42 x की लिमिट का मान आता है 0.48 d 0.48 और d का मान आपको पता है 520 ठीक है यहां से आप सॉल्व कर लीजिए यहां से आपका ast का मान भी आ जाएगा ठीक है ast का मान हम निकाल लेते हैं 236.25 जब भी हम क्वेश्चन को लगाया करें आप लोग कैलकुलेटर लेकर के बैठा करिए 0.25 e6 डिवाइडेड बाय यहां पर करेंगे क्या
आ रहा है 0.87 इंटू 415, फिर इंटू करेंगे हम, अब फिर आपका बनेगा 520 माइनस, ठीक है, 0.42 इंटू 0.48 इंटू में आपका 520, ठीक है, यहाँ से आपका आया 1576 एमएम स्क्वायर। जो भी एसटी का मान आ रहा है वो आ रहा है 1576 एमएम स्क्वायर, क्लियर हुआ। इसको भी आप 1-2 mm या 5 mm का टॉलरेंस ले सकते हो, 5 mm बढ़ा भी सकते हो, 5 mm घटा भी सकते हो, तो घटाना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड एसटी होता है, अगर इससे हम कम कर देंगे तो कहेंगे बीम आपका डिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन हम इसका चेकिंग भी करते हैं, चेकिंग में हम जानते हैं क्या कि जो भी हम चेकिंग करते हैं न्यूनतम रेनफोर्समेंट का वो होता है 0.85 BD/FY, तो वहाँ से हम कहेंगे उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा अगर 4-5 mm कम हो जाएगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये 6 है, चाहे इसको 15-80 कर दीजिएगा और चाहे इससे कम भी कर दीजिएगा 4-5 mm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, हमें एच टी मिल गया। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ बार, इसके बाद हम बात करेंगे क्या, नंबर ऑफ बार, जब नंबर ऑफ बार की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ बार यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। पहले आपको मानना पड़ेगा हम कितने एमएम सरिया यूज करेंगे इसमें, ठीक है, कितने एमएम की सरिया में यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, 300, 400, अब 100 तो बराबर 3 mm होता है, ठीक है, तो आप डाल दीजिएगा, जैसे मान लो मिस्त्री बोल रहा है ये 400 की सरिया ले आइए, तो 4 × 12 mm की बात कर रहा है, 6 × 18 mm की बात कर रहा है, ठीक है, 700 की बात कर रहा है, 7 × 21, ठीक है, तो वैसे विषम नंबर में आपको नहीं मिलती है ज़्यादातर आपको सम नंबर में ही मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है 20 mm या 22 mm आप मान लीजिए, कितना मान लेते हैं, चलिए 20 mm मान लेते हैं, 20 mm की बार यूज करने पर, ठीक है, बार 20 mm खाई यूज करने पर, ठीक है, यूज करने पर, अच्छा 20 mm बार यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपका मिलेगा क्या, ठीक है, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा कैपिटल एच टी अपान स्मॉल एच टी, हम यहाँ पर देखेंगे इसको हम काट पीट देंगे 1576/314, ठीक है, और इसको हम जो है देख रहे हैं कितना आ रहा है, यार आपका 5, ठीक है, 5 log यहाँ पर पड़ रहा था, जो भी बार की संख्या हो कितना है 5 है, ठीक है, 5 point कुछ आ रहा था, देख लेते हैं हम 3×4×5, ठीक है, 74, हाँ 5 point कुछ आ रहा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 5 point कुछ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर एक्चुअल एच टी की बात करेंगे, अगर हम एक्चुअल एच टी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 1570 mm, इस पर हमने कहा ना 5-6 mm अगर आप घटा बढ़ा दे रहे हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम चेकिंग करके आपको हम बता दिखा देंगे कि सेफ है कि नहीं है, बता भी क्लियर हुआ ना, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद अच्छा अगर आपके मन में आ रहा है कि हम बढ़ा के लेंगे, भैया जो आप 20 दिए हैं उसको आप 21 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं भैया ऐसा है कि हम 2 छड़ को बेंड करेंगे, टोटल कितना छड़ आया, 5 छड़ हम 2 छड़ को बेंड करेंगे 45 degree के एंगल पर और 3 छड़ को हम नीचे रखेंगे, ये हमें खुद मानना पड़ता है, वहाँ पर आपको गिवन नहीं रहेगा, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में होता है दे दे और किसी किसी क्वेश्चन में नहीं देता है, कि हमें खुद मानना पड़ता है कि हम बेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बेंड कर लीजिए, क्योंकि बेंड करने से डायगोनल टेंशन आपके नहीं जनरेट होता था, डायगोनल जो क्रैक होता है वो क्रैक यहाँ पर जनरेट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने निकाल लिया यहाँ पर। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या, अब हम करेंगे चेकिंग, अब हम करेंगे क्या यहाँ पर चेकिंग, डिजाइन वाला प्रोसेस यहाँ पर पूरा हो गया, बी और डी भी मिल गया, स्टील का एरिया भी बदल गया, 20 mm बार अगर यूज कर रहे हो तो कितना नंबर आप बार आएगा ये भी आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। अब हम चेकिंग करेंगे, और सबसे पहले जो चेकिंग होता है चेकिंग फॉर मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है, चेकिंग फॉर मेन रेनफोर्समेंट, और जब मेन रेनफोर्समेंट की हम चेकिंग करेंगे तो उसके लिए भी आपने कुछ फार्मूला लिखा है, ठीक है, चेकिंग फॉर मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं पहला चेकिंग है, ये पहला चेकिंग है, चेकिंग फॉर मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है, इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला, ठीक है, एच टी मिनिमम इज इक्वल टू जो भी होता है 0.85 BD/FY, ठीक है, और उसके लिए हमने एक पॉइंट भी दिखाया था आपको, ठीक है, क्या लिखा है भाई, FY 250 के लिए जो होता है 0.34 FY होता है, 0.34 होता है परसेंट, ठीक है,
उसके बाद जब एफ ई 415 लेंगे 0.22% होता है, जबकि 0.500 अगर लेंगे 0.17% होता है। ठीक है, किसका परसेंट होता है, हम कहेंगे इस क्रॉस सेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का चलिए यहाँ पर हम ले देते हैं। ठीक है, अब इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, 0.85, बी का मान आपका आया था 260 और डी का मान आया था आपका 520, एफ आई का मान आपको पता है 415। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 0.85 इंटू 260 इंटू 520, ठीक है, डिवाइड बाई 1.45, यह आपका आ रहा है 276.9। इसको हम 277 mm स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में वो 9 है इसलिए हमने इसको बढ़ा दिया है। क्लियर हुआ से। अब इसके बाद हम बात करेंगे एसटी मिनिमम हो गया, अब एसटी मैक्सिमम, अब हम किसकी बात करेंगे, एसटी मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम एसटी की बात करेंगे तो हम जानते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन में 4% से अधिक नहीं होना चाहिए सिवाय कालम के। कालम में 6% तक जा सकता है, लेकिन ये हमारा बीम है, हम कहेंगे 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात जो इसका मान ले जाएगा वो ले जाएगा 0.04, ठीक है, बी डी अपान 100। या हम लिख देते हैं, देखा आप लिखते हैं क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, 4% ये लिया जाता है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 0.04 और बी इंटू डी, कैपिटल डी रहता है, कैपिटल डी रहता है। ठीक है, अच्छा कैपिटल डी रहता है, लेकिन देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है कि कवर जो होता है वो 25 एम एम होता है, जो कि हम बोल देते हैं बहुत ही कम है, और उस कवर को हम कंसिडर ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा तो हम कहेंगे कि जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसमें इसको वरीयता देते हैं, जबकि जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उसमें, ठीक है, कैपिटल डी को देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उससे, दोनों सही रहेगा। ठीक है, यहाँ से लिखा देते हैं और निकालने से हमें यहाँ पर आएगा 0.04 और इंटू करेंगे बी का मान आपका कितना था 260, डी का मान आपका कितना था 520, यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5408 mm स्क्वायर। ठीक है, 5408 mm स्क्वायर। और यहाँ से हम देखेंगे क्या कि जो भी एसटी आपने यूज किया है, जो भी एसटी आपने यूज किया है, ठीक है, ये अधिक है एसटी मिनिमम से और ये कम है किससे, एसटी मैक्सिमम से। अर्थात हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, बीम यहाँ पर सेफ है, अर्थात रेनफोर्समेंट जो है ये रेनफोर्समेंट आपका सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, डिजाइन आपका सेफ रहेगा, रेनफोर्समेंट आपका सेफ रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एसटी रिक्वायर्ड है वह एसटी मिनिमम से अधिक है तथा एसटी मैक्सिमम से कम है, अतः यहाँ पर रेनफोर्समेंट आपका क्या रहेगा, सेफ रहेगा। क्लियर वहां से। ठीक है, रेनफोर्समेंट हमने चेकिंग कर लिया, अब इसके बाद हम सीयर में चेकिंग करेंगे, सीयर। ठीक है, चेकिंग था सीयर, या चेक था सीयर, सीयर में हमें देखना है कि क्या बीम कटेगा या सेफ रहेगा। ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं दूसरा चेकिंग, देख रहे हैं चेक था सीयर, चेक था सीयर। अब इसके लिए सबसे पहले जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं सीयर फोर्स, उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर सीयर फोर्स, और सीयर फोर्स वी इज इक्वल टू जो आएगा आपका डब्ल्यू यू इंटू एल बाई टू। ठीक है, इसमें इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन, ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया है, अगर आपके पास टाइम है तब तो लीजिए, लेकिन जब मेंस का पेपर रहता है तो आपके पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, हाँ अगर एकेडमिक वाले हैं, सेमेस्टर वाले हैं, तो अच्छे ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ पर आपको क्लियर स्पैन लेना है और जो आपका सिक्स था उसमें से आप एक वाल की थिकनेस को हटाइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। लेकिन जो आप जे या यूपीएससी के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एल घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट कीजिए वहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ से वी यू इक्वल टू आएगा टोटल डब्ल्यू यू का जो मान था, टोटल डब्ल्यू यू का जो मान था वो हमारा कुछ था, कितना था 52.5 और इंटू एल का मान दिया गया है आपको। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, बटे दो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, 157.5 किलो न्यूटन आपका सीयर फोर्स जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे नॉमिनल सीयर स्ट्रेस, दूसरा हम निकालेंगे यहाँ पर नॉमिनल सीयर स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल सीयर स्ट्रेस जो भी मान निकलेगा टाउ बी। ठीक है, और इसका मान आएगा आपका वी ओ पान बी इंटू डी। ठीक है, टाउ बी का भी मान हम निकाल लेते हैं, इंटू ई थ्री कर देंगे हम, डिवाइड बाई करेंगे वी का मान, बी का मान आपका है 260 इंटू डी का मान आपका है 520। यहाँ से जो मान आया आपका ये आ रहा है 1.16, यहाँ पर कितना आ रहा है 1.16 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्लियर, वहाँ से अब हम देखेंगे क्या
कि परसेंटेज आप स्टील भी निकाल लीजिए, क्योंकि परसेंटेज आप स्टील के आधार पर ही हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ज्ञात करते हैं। क्लियर हुआ? शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहां से निकलेगा? परसेंटेज आप स्टील के आधार पर, और परसेंटेज आप स्टील हम निकालेंगे यहां से, ठीक है। तीसरा स्टेप हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील। जब हम परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील आपका जो पी परसेंटेज इक्वल टू आता है, ये आएगा हमारा 100 एएसटी, ठीक है, 100 एएसटी अपॉन बी इनटू डी, अर्थात 100 एएसटी अपॉन बी इनटू डी। ये जो एएसटी होता है आलम पर बची हुई सपोर्ट का लेता है, और सपोर्ट पर हमने दो छड़ को बेंड किया, हमने ये माना है कि सपोर्ट पर हम दो छड़ को बेंड कर दे रहे हैं। अगर आपके मन में आ रहा है कि हम छड़ को बेंड नहीं करेंगे, तो बेंड करने कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे बेंड करो चाहे ना बेंड करो। अगर बेंड किए हो तो जो सपोर्ट पर बचा है हम उसको लेकर के चलेंगे, और अगर बेंड नहीं किए हो तो जो टोटल एएसटी आपका 1570 आया था वो यहाँ पर हम उठा के रख देंगे। क्लियर हो ना ऐसे? ठीक है, कोई डाउट हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया। अब परसेंटेज आप स्टील निकाल रहे हैं, किसको निकालें, बेंड करें कि ना करें? ठीक है, बेंड करके भी निकाल सकते हो, बेंड करके भी निकाल सकते हो। अगर बेंड करोगे तो हमें बेंड ऑफ बार का भी निकालना पड़ेगा, अगर बेंड नहीं करोगे बेंड ऑफ बार निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, हमने सारा प्रोसेस पीछे बताया है, चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, छड़ को हम बेंड कर रहे हैं, छड़ को हम बेंड चलो नहीं करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना होगा आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बोला नहीं गया है, और ये कहीं पर बोला नहीं जाता है, इसको हम खुद से मानना पड़ता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील हो गया, और यहाँ पर हम 100 रखेंगे, एएसटी का मान हम रख देते हैं 1570, और बी का मान आपका है 260। ठीक है, और गुणे हम करेंगे 520 उठा के साथ, हम बेंड नहीं किए हैं इसको छोड़। ठीक है, एक बार यार बोले थे बेंड किए हैं, चलो साफ कर लेते हैं, आपको बेंड करके करना होगा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बेंड नहीं दिया गया है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1570 गुणे 100, ठीक है, डिवाइड बाई करेंगे यहाँ पर हम 260 इंटू 520, और यहाँ से आपका कुछ मान मिलेगा, ये मान मिल रहा है 1.16%। क्लियर हो से? ठीक है, अब इसके आधार पर आप जाइए टेबल में, और वहाँ से टाउ सी का मान देखिए, किसमें, M25 में। ठीक है, M25 का ग्रेड है, FE 415 है, और पंचदा स्टील यहाँ पर दिया गया 1.16, इसके लिए टाउ सी का मान देखिए, टेबल उठाइए टेबल में देखिए अपना। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना आपका है, 1.16 आया है, 1 के लिए दे रहा है 0.64, और 1.25 के लिए दे रहा है 0.67। हम लिख दे रहे हैं उसके आधार पर हम जो है मानेंगे। ठीक है, टाउ सी का मान, परसेंटेज ऑफ स्टील और परसेंटेज ऑफ ग्रेड, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, जब तो हम देख रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील, यहाँ पर हम टाउ सी का मान देख रहे हैं। ठीक है, टाउ सी का मान हम देख रहे हैं, अब देखिए इसमें क्या है, टाउ सी हम किसमें देख रहे हैं, M25 में देख रहे हैं। अगर 1% है तो 1% के लिए दिया गया है 0.64, टेबल में आप देखिएगा। ठीक है, 1.25 के लिए दिया गया है 0.67, तो आपका है 1.16, आपका कितना है 1.16, हम कहेंगे इससे थोड़ा ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो अगर हम इसका आधा करें तो हम कहेंगे 1.12 के आसपास आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का, अब वो अंतर आ रहा है 1.5 का। क्लियर हुआ? तो ऐसा है कि 1.6 हम बढ़ा लेते हैं, मतलब हम कहेंगे क्या, 3 पॉइंट में 1.6 आप बढ़ा दीजिए, इसका मान आएगा आपका 1.16 के लिए हम मेजर कर ले रहे हैं टाउ सी का मान, और वो हम ले रहे हैं 0.66 मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मेजर कर सकते हो उनके बीच में, देखिए हम क्या कह सकते हैं, 1 1 दोनों बराबर है, ये 0.25 अधिक है, तो 0.25 को हमने डिवाइडेड टू कर दिया, और ये 12.5 आ गया, कुछ इतना आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनका जो आधा आ रहा है, इनका आधा वो आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में 1.2, ठीक है, इतना आ रहा है पॉइंट में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 0.3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको भी हम डिवाइडेड टू कर देंगे तो 0.15 के आसपास आ जाएगा, ये तो आएगा। ठीक है, तो वह हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने इतना बढ़ा दिया, अब देखो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पर है 1.16, यहाँ पर 0.12, यहाँ पर
16 है, क्लियर हुआ, मतलब इससे थोड़ा सा अधिक है, इससे थोड़ा सा ये अधिक है। वही यहाँ पर देख रहे हैं 0.15 है, ठीक है, तो इससे भी थोड़ा सा हमें अधिक करना पड़ेगा। हमने क्या ले लिया यहाँ पर 16 ले लिया है, ठीक है। अब देखो इतना आपका दिमाग वहाँ पर नहीं लगाना, उतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा वहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस खूब कर लेंगे, इसको हम खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, आधा हम देखेंगे आधा, ठीक है, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका हम आधा करके चेक करेंगे और इसका भी आधा करके चेक करेंगे, फिर इसको बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मान लीजिए आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, कैसे बढ़ाएंगे, किसने बढ़ाएंगे, तो इसमें कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहती है, इसमें कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है, इसमें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। मॉडिफाई करके हम यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, 0.63 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो उठा लेते हैं, ठीक है। इसके लिए परसेंटेज आप स्टील आपका इतना था, उसके लिए हमने इतना लिख लिया। अब इसके लिए हम टाउ सी मैक्स का भी बात कर लेते हैं, ये भी आपका टेबल में दे जाएगा, अगर टेबल में नहीं दिया गया है तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, ठीक है, इसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके आधार पर भी निकाल सकते हैं। इसका मान है 0.062 और इंटू में करेंगे अंडर रूट 25, ये आपका मान आ रहा है 3.1, ये आपका आ रहा है 3.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्लियर हुआ से, ठीक है, इतना मान मिल गया। अब टाउ बी और टाउ सी और टाउ सी मैक्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जो भी टाउ बी है वो अधिक हो रहा है किससे, टाउ सी से, लेकिन कम हो रहा है टाउ सी मैक्स से, ठीक है ना, इतना आ रहा है। अब जाके मिला लीजिएगा क्योंकि हम टाउ बी की वैल्यू को हम डिलीट कर चुके हैं यहाँ से, हाँ शायद आया था 1.16 आया था टाउ बी का मान, अर्थात इससे अधिक हो रहा था लेकिन इससे कम हो रहा था, हम कहेंगे अभी ये सेफ है, अभी ये सेफ है, क्योंकि अगर इसको भी क्रॉस कर जाता था हम कहते हैं रीडिजाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या, हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि सीयर रेनफोर्समेंट डिजाइन किया जाएगा। अगर टाउ बी मान इससे अधिक हो जाता तो वहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, सेक्शन का डिजाइन करते हैं, यहाँ पर कहेंगे क्या सीयर रेनफोर्समेंट डिजाइन किया जाएगा, सीयर रेनफोर्समेंट डिजाइन किया जाएगा, ठीक है, सीयर रेनफोर्समेंट यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा। अब इसके आधार पर हम सीयर रेनफोर्समेंट यहाँ पर डिजाइन करेंगे। अच्छा, सीयर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे तो उसके लिए हमने छड़ को बेंड नहीं किया था, ठीक है, आप करना चाहो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर सीयर रेनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं, सीयर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे तो कितने लोड के लिए करेंगे, सबसे पहले बात यह थी सीयर रेनफोर्समेंट हम कितने सीयर के लिए करेंगे, कितने सीयर के लिए, तो यहाँ पर जो नेट सीयर आपका आ रहा है जिसके लिए नेट सीयर जो आ रहा है आपका जिसके लिए हमें सीयर रेनफोर्समेंट डिजाइन करने की आवश्यकता है, तो VUS इज इक्वल टू VU माइनस VC, अर्थात जो भी टोटल सीयर आ रहा था वो कंक्रीट के द्वारा कुछ रजिस्टर किया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसी के लिए हम क्या करेंगे नेट सीयर अर्थात सीयर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे VUS इज इक्वल टू VU का जो विमान है, ठीक है, सीयर फोर्स का मान कितना आया था, आप लोग देखिए जितना निकाले हो, ठीक है, कितना निकाले थे 157.5 × 10³ माइनस करेंगे टाउ सी का जो आपने मान निकाला था, वो टाउ सी का मान, ठीक है, कितना था, टाउ सी का मान हमने लिया था 0.66, ठीक है, 0.66 b × d, बी का मान है 263 और d का मान जो रहेगा वो है आपका 520 अर्थात 520। इसको आप देख लीजिए यहाँ से हमारा मान कितना आ रहा है 157.5 E3 माइनस करेंगे हम 0.66 × 260 × 520, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं और ये आपका आ रहा है, ठीक है, 68 VUS इज इक्वल टू 68 ठीक है न्यूटन। इतने के लिए आपको सीयर रेनफोर्समेंट डिजाइन करने की आवश्यकता है, ठीक है, इतने के लिए आपको सीयर एनफोर्समेंट डिजाइन करने की आवश्यकता है। अच्छा, यहाँ पर हम सीयर एनफोर्समेंट डालेंगे तो हम कहेंगे क्या 8 mm सीयर एनफोर्समेंट डाल रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल स्टीरस के रूप में डाल रहे हैं, बेंटा बार हमने यूज नहीं किया है, 8 mm 2 lug स्टीरस यूज कर रहे हैं और इसके लिए हमें स्पेसिंग की जरूरत पड़ेगी, तो स्पेसिंग ऑफ स्टीरस, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरस की हम बात करेंगे और ये स्पेसिंग आएगा आपका S इज इक्वल टू, इसके लिए हमने यहाँ पर फार्मूला आपका निकाला था, ठीक है, तो 0.87 FY 0.87
एफ आई इंटू एस बी इंटू डी और अपान में हम करेंगे क्या वी यू एस। अगर बेटा बाद यूज किए होते तो यहीं पर बटे क्या हो जाता दो। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। आठ एम एम फाइव टू लेग स्टीरप यूज कर रहे हैं, आठ एम एम फाइव टू लेग स्टीरप। एस बी आपका क्या है, एक छल्ले का एरिया है। ठीक है, जिसको हम निकाल रहे हैं क्या पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। ठीक है, इन टू करेंगे आठ, ठीक है चौंसठ हो जाएगा गुणे दो, दो लेग है हंड्रेड आ रहा है इसका। ठीक है, उठा के रखिए। एस सी जी कोड को हम यहाँ पर देखेंगे, जीरो पॉइंट एट सेवन फोर वन फाइव इंटू हम करेंगे हंड्रेड इंटू डी का मान है आपका। ठीक है, फाइव ट्वेंटी अपान करेंगे हम। ठीक है, वी यू एस का जो मान आएगा वो आपका यहाँ पर मिला है सिक्सटी एट टू सिक्सटी एट, ले रहा है से। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं, पॉइंट एट सेवन इंटू फोर फाइव इंटू हंड्रेड इंटू में आपका आ रहा है फाइव ट्वेंटी डिवाइडेड बाई में आप देखेंगे सिक्सटी एट टू सिक्सटी एट। यहाँ पर जो आपका आया है वो 275 mm सेंटर टू सेंटर लिया गया। क्लियर वहाँ से। अब हमें मिनिमम स्पेसिंग भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्यों? ठीक है, क्यों? ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं इसको, हटाएं इसको। 275 याद रखिएगा भाई, 275 आया स्पेसिंग। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि किसी भी बीम में जब हम सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो शियर फोर्स का मान ज़्यादा होता है। जब सीयर फोर्स का मान ज़्यादा हो रहा है तो हमें वहाँ पर स्टीरअप से भी मैक्सिमम डालने पड़ेंगे। ठीक है, अर्थात जब हम सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं सीयर फोर्स ज़्यादा होता है और हमें वहाँ पर सीयर रेनफोर्समेंट अधिक डालने की आवश्यकता होती है, जबकि बीच में सीयर फोर्स का मान कम होता है अर्थात स्पेसिंग वहाँ पर हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, अर्थात हम कम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा धरन है और ये हमने यहाँ पर सीयर रेनफोर्समेंट या कहें सीयर फोर्स डायग्राम हमने इस प्रकार से बनाया, तो सपोर्ट पर मैक्सिमम सीयर होता है अर्थात ये हमारा हो गया वी यू। इधर वहाँ से हम जाते हैं सपोर्ट की तरफ सीयर फोर्स का मान बढ़ता है और बीच की तरफ सीयर फोर्स का मान घटता है, क्लियर हुआ? बीच की तरफ सीयर फोर्स का मान घट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो भी नेट सीयर है जिसके लिए हमें सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, हम मान लेते हैं कि वो हमारा यहाँ पर है, हमारे कहें वो हमारा यहाँ पर है और इसका जो भी मान है वो हमारा है वी यू एस, ये भी हमारा है वी यू एस, कौन ये, और यहाँ पर इतनी दूर में सीयर फोर्स आपका मैक्सिमम हो रहा है, इतनी दूर में सीयर फोर्स का मान यहाँ पर क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, ये पूरा हमें पता है, ठीक है एल बाई टू और ये हमारा है थ्री मीटर। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाली जो दूरी है ये दूरी हम मान लेते हैं क्या है ये एक्स, भाई दोनों ही रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी, तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूर में हम कम छल्ला डालेंगे कितनी दूर में हम आधे छल्ला डालेंगे। ये आपको समझ में आया है, पिछले लेक्चर में आपको पूरा मेथड बताया, चलो यहाँ पर हम एक बार बात कर लेते हैं। जहाँ पर शियर फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पर छल्ला ज़्यादा पड़ेगा, जहाँ पर शियर फोर्स कम होगा वहाँ पर छल्ला कम पड़ेगा, और जब छल्ला कम पड़ेगा तो उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, जब छल्ला ज़्यादा पड़ रहा है तो उनके बीच की दूरी घटेगी। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पर ठीक है मैक्सिमम सीयर रेनफोर्समेंट है अर्थात स्पेसिंग कम रहेगा, मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट है अतः स्पेसिंग यहाँ पर क्या होगी ज़्यादा होगी। अर्थात हम कहेंगे क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, और जितने दूर में आपका ये छायांकित किया गया था ठीक है सर्ड किया गया है उतनी दूर में सीयर रेनफोर्समेंट आपका मैक्सिमम होगा, तो जाहिर बात है स्पेसिंग यहाँ पर क्या होगी कम होगी। क्लियर हुआ, इतना आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो अब देखो जब मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा है तो इसके लिए भी कुछ स्पेसिंग होगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि किसी भी धरन में कम से कम सीयर रेनफोर्समेंट तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है, कम से कम। ठीक है, तो कम से कम हम कहेंगे जो यहाँ पर स्पेसिंग आएगी ये स्पेसिंग हमें निकाल के दिखाना ही दिखाना है, भैया इतना तो डालेंगे ही, लेकिन उसके बाद अगर हमने डिजाइन किया तो हम देख लिए हमारा स्पेसिंग यहाँ पर इतना आ गया। अब हम कहेंगे इन दोनों में जिसका मान कम रहेगा वही स्पेसिंग हम पूरे धरन में क्या करेंगे छल्ला प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ, और अगर आपको साइड पे काम कराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहाँ पर सीयर फोर्स ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर ये स्पेसिंग रख दीजिए, जहाँ पर सीयर फोर्स कम हो रहा है वहाँ पर ये स्पेसिंग रख दीजिए, वही हम डिस्टेंस निकाल के दिखा रहे हैं कि कितनी दूर में मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा और कितनी दूर में आपका मैक्सिमम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसका मान निकालेंगे, और जब इसका मान निकालेंगे तो ये मान आ पाएगा
VU अपॉन 3 इज इक्वल टू VUS अपॉन x, बता भी क्लियर हुआ। यहां से हमें x का मान निकालना है, x इज इक्वल टू आप निकाल लीजिएगा यहां से, और ये मान आपका आएगा VUS * 3 और अपॉन हम करेंगे क्या VU, बता भी क्लियर हुआ। यहां से आपका मीटर में आ जाएगा, अगर आप इसको न्यूटन रखेंगे तो भी न्यूटन में, ये किलो न्यूटन में तो भी किलोन्यूटन में, किलो न्यूटन किलो न्यूटन कट जाएगा और ये मीटर में आपका रखा गया है, आपका एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अब देखो ये इतनी दूरी एक्स है, यहाँ पर इतनी दूरी भी क्या है आपका एक्स है, अब हम कहेंगे कि टोटल टू एक्स किसी भी धर्म में, ठीक है, टू एक्स की जो डिस्टेंस रहेगी इसमें मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और इस मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट के लिए जो भी स्पेसिंग रहेगा, देखो आप हम लिख रहे हैं मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, ठीक है, स्पेसिंग फॉर मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, स्पेसिंग फॉर मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, ठीक है, इसके लिए भी हम देखेंगे थोड़ा सा, और इसके लिए भी हमने एक फार्मूला आपको कराया था क्या, एस बी मिनिमम अपान वी इन टू एस बी इज इक्वल टू 0.4 अपान 0.87 एफ आई, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अर्थात एस बी मिनिमम अपान बी इन टू एस बी इज इक्वल टू 0.4 अपान 0.87 एफ आई, बता रहे वो, तो यहाँ से भी हमें एस बी मान निकालना है, अर्थात ये स्पेसिफायर मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, और ये कहाँ पर लिया जाएगा, केवल 2x की डिस्टेंस में डाला जाएगा, क्लियर यहाँ से, ठीक है, तो इसके हम जो है तोड़ देते हैं थोड़ा सा, इसको आप इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है, देखो इसको हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ पर जो आएगा आपका एस वी मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के लिए है वो आपका आएगा 0.87 एफ आई, ठीक है, इंटू एस वी अपान 0.4 इंटू बी, क्लियर हुआ, यह आ जाएगा, और यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से मान आएगा 0.87415, एस बी का मान आया था 100, पूरे का बटन करेंगे 0.4 इंटू 260, और यहाँ से हमें अंतराल इसका कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है वो पीछे जाकर देखेंगे, वहाँ पर आपको मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट और मैक्सिमम शेयर एनफोर्समेंट दोनों के बारे में भेदभाव आपको बताया गया है, ठीक है, आप हम देखेंगे 0.87 और इंटू हम करेंगे 415 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखेंगे हम 0.4 इंटू 260, यहाँ से आपका माना रहा है 347, यहाँ पर जो आपका एस वी मिनिमम आया वो आ गया 347 mm, ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर मैक्सिमम शेयर एनफोर्समेंट डाले वहाँ पर स्पेसिंग कम हुआ, जहाँ पर मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट डाले वहाँ पर स्पेसिंग क्या हो गई बढ़ गई, क्लियर हुआ, तो इतना तो हमें रखना ही रखना है, क्योंकि कम से कम तो हम रखेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर स्पेसिंग कम है, यहाँ पर स्पेसिंग अधिक है, ठीक है, ये भी आप डाल सकते हो साइट पे, लेकिन जो आपको यहाँ पर करना है वो आप लिखेंगे दोनों में से जो कम होगा, क्लियर हुआ, तो दोनों में से जो कम है वो आपका है जो इसके पहले निकाले थे, कितना आया था भाई वो, ठीक है, दो तो शायद कुछ आया था, ठीक है, इसमें नहीं है, हम शायद निकाले नहीं है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका लाया था लास्ट में वही उठा करके आप वहाँ पर रखिएगा, ठीक है, अर्थात हम कहेंगे कि जो एस का मान न्यूनतम होगा, चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर, हम ले लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, देखो आप हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब कितना यहाँ पर स्पेसिंग रखा जाएगा, कितना स्पेसिंग यहाँ पर रखा जाएगा, देखो हम आपको लिख देते हैं, देखो एस वी मिनिमम, ठीक है, 0.75 डी, क्लियर हुआ, 0.75 डी, इनमें से जो कम होगा 300, ठीक है, इनमें से जो कम होगा वही स्पेसिंग आपका सेंटर टू सेंटर लिया जाएगा, क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है, शेयर रेनफोर्समेंट की हमने डिजाइन यहाँ पर कर दिया है, अब इसके बाद हम बॉन्ड में जांच भी करेंगे, वैसे कहा नहीं है बॉन्ड में जांच करने के लिए, ठीक है, हम एक क्वेश्चन को यहीं पर ला करके छोड़ देंगे, क्लियर हुआ, बताओ इतना क्लियर हो नहीं, इतना सब करना क्लियर हो गया है, अब बॉन्ड में जांच अगर करने को बोल देगा तो बॉन्ड में हम जांच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक बोला था, इसलिए हम केवल यहीं तक लगाएंगे, ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, अच्छा बॉन्ड में जाँच हम बता देते हैं, मान लीजिए बॉन्ड में जाँच पूछ रहा है तो बॉन्ड में जाँच भी हम कर सकते हैं, देखो कैसे करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन के हम बाहर बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जो आते हैं, ठीक है, एसएससी मेंस की अगर हम बात करेंगे तो 20 से 25 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया है, मैं बता भी दिया है। अब यहाँ पर हम बॉन्ड या डेवलपमेंट जांच कर रहे हैं, ठीक है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, एल डी लेस देन आर इक्वल 1.3 एम वन अपान बी यू प्लस एल नॉट, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। देखो एल डी आपको क्या करना है, 0.87 एफ आई इंटू फाइव अपान 4 टाउ डी डी, ठीक है, फाइव का मान आपको नहीं रखना है, फाइव का मान आपको नहीं रखना है, इन सभी की वैल्यू आपको रखा जाएगा, ठीक है, इन सभी की वैल्यू रखिएगा, टाउ डी डी का मान आपको टेबल से मिल जाएगा, ये फाइव के पदों में आपका कुछ निकल आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एम वन की हम बात करेंगे, सपोर्ट पर जो छड़ बची है, तो हमने कोई भी छड़ बैंड नहीं किया था, इसलिए हम 0.87 एफ आई इंटू एस टी और इंटू में हम लिखेंगे क्या, डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ से एस टी 1570 उठा के रखेंगे, एफ आई 415 रखेंगे, डी आपका 560 आया है, इसको हम 0.48 इंटू 560 कर देंगे, एम वन का मान आ जाएगा। वी यू का मान जो आया था डब्ल्यू इंटू एल बाई 2, और इसको भी आप ले लीजिएगा, 5 कितना आया था इसका मान, इसका मान आया था 157.5 क्लियर हुआ, इंटू 10^3। यल नाट जो आपका है वो 12 गुणे जो आप यूज किए हो 20 या, ठीक है, 560 अर्थात डी 560 नहीं था 520 था, ठीक है, विच इज मोर, ठीक है, इतना है। अब इस सबको मान रखिएगा, यहाँ से आपका फाई का मान मिलेगा, क्योंकि यल डी जो आपका फाई के पदों में बच जाएगा, इधर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, जो भी आंतरिक वैल्यू रहेगा उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, इधर का न्यूमेरिकल वैल्यू, अब फाई का मान कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वह 20 से अधिक होना चाहिए, अगर 20 से कम रहेगा हम कहेंगे कि हमारा क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में फेल कर रहा है, फेल हुआ। चलो हम एक पॉइंट और लिखा दे रहे हैं, अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा भाई, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आप कहीं से भी उठाइएगा, क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि इसका मान आ गया एक्स फाइव, अब इसका मान आ गया मान लीजिए वाई, पूरा ये सॉल्व किया गया और इसका मान आ गया वाई, तो फाइव इज लेस देन आर इक्वल वाई अपान एक्स, ठीक है, इतना आएगा तब हम कहेंगे सेफ रहेगा। देखो ये जो वैल्यू आनी चाहिए, ये जो वैल्यू आनी चाहिए, जो आप बार यूज किए हो, जो आप बार यूज किए हो उससे अधिक रहेगा तो हम कहेंगे सेफ रहेगा, और उससे कम रहेगा क्या होगा, ये फेल कर जाएगा, क्लियर वहाँ से, ठीक है। तो उससे अधिक आता है सेफ कर लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो हम यहीं पर रोक रहे हैं, संडे को कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है, अगर हो जाएगा तो अपलोड कर देंगे, वैसे संडे को आपका हम केवल टेस्ट कराएंगे, रिकॉर्डिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो हम यहीं पर रोक रहे हैं, अगला हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर भी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.